आज हम बनाएंगे बेसन की सब्जी बिना लहसुन प्याज के। जब घर में कोई सब्जी नहीं हो तो आप इस तरीके से बेसन की सब्जी बना सकते हैं। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 10-15 मिनट में ही ये सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। और ये सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनती है कि आप जिसको भी ये सब्जी खिलाएंगे तो वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेगा। तो चलिए बनाते हैं बिना लहसुन प्याज के बेसन की बहुत ही टेस्टी और चटपटी सब्जी। बेसन की सब्जी बनाने के लिए लेंगे 1 कप बेसन। आप अपनी फैमिली के हिसाब से बेसन कम या ज़्यादा ले सकते हैं। आप इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच ही हल्दी पाउडर, आधा चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच डालेंगे अजवाइन। अजवाइन बेसन में ज़रूर डालनी है क्योंकि किसी किसी को बेसन से गैस बाईबादी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो अजवाइन पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। आप इसको हाथ से अच्छे से मिला देंगे और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसको ज़्यादा पतला नहीं करेंगे और क्लॉकवाइज ही इसको अच्छे से फेंटेंगे 3-4 मिनट के लिए। ये देखिए हमने बेसन को अच्छे से फेंट लिया। इस तरह का ही बेसन रखना है। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा। इसको भी अच्छे से मिला देंगे। बेकिंग सोडा ज़्यादा नहीं डालना है, यदि हम बेकिंग सोडा ज़्यादा डाल देंगे तो सब्जी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। बेकिंग सोडा भी अच्छे से मिक्स हो गया और कढ़ाई में तेल हमने पहले से ही गर्म कर लिया। तेल नॉर्मल गर्म होना चाहिए, जैसे हम पकोड़े बनाने के लिए तेल गर्म करते हैं। अब इस बेसन की छोटी छोटी पकौड़ी बना लेंगे जो हमने घोल कर रखा है। एक बार में जितनी पकौड़ी बन सकती है बना सकते हैं। इनको उलट पुलट करके अच्छे से पकाएंगे। इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फ्राई करने में, सिर्फ 2-3 मिनट में ही अच्छे से फ्राई हो जाएगी। 2-3 मिनट हो गए इनको पकाते हुए, ये अच्छे से फ्राई हो गई और इनका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया। तो अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे और ऐसे ही बचे हुए बेसन की पकौड़ी बना लेंगे। ये देखिए हमने सारी पकौड़ी बना ली। अब इनको साइड में रख देंगे और अब लेंगे मिक्सी का जार। इसमें डालेंगे 2 बड़े साइज के टमाटर कटे हुए और 3 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और डालेंगे थोड़ी सी अदरक। अब इनको पीस लेंगे। ये देखिए हमने इसको बारीक पीस लिया। आप इसको बॉल में निकाल लेंगे। आप टमाटर को कद्दूकस भी कर सकते हैं। और अब ये जो कढ़ाई में एक्स्ट्रा तेल है इसको निकाल देंगे। सिर्फ 1 बड़ा चम्मच तेल ही कढ़ाई में रहने देंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच साबुत धनिया। थोड़ा सा साबुत धनिया डालेंगे तो सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और थोड़ी सी डालेंगे हींग। ये सारी चीज़ें भुन गई। अब इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट जो हमने अभी पीसा है। इसको चम्मच से थोड़ा चला देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच ही डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 1 चम्मच ही डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं होती, इससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। आप यदि कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच ही डालेंगे धनिया पाउडर। आप इसको अच्छे से मिला देंगे और मसाले को जब तक पकाएंगे जब तक मसाले से तेल सेपरेट नहीं हो जाता। ये देखिए मसाला अच्छे से पक गया और इसमें से तेल भी सेपरेट हो गया। आप गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देंगे और अब इसमें डालेंगे आधा कटोरी फेटा हुआ दही। इसको लगातार चम्मच से चलाते रहेंगे। यदि इसको लगातार चम्मच से नहीं चलाएंगे तो दही फट सकता है। आप गैस की फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे और दही को भी जब तक पकाएंगे जब तक इसमें से तेल सेपरेट नहीं हो जाता। ये देखिए दही भी अच्छे से पक गया, इसमें से तेल भी सेपरेट हो गया। आप इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से भी सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और आधा चम्मच डालेंगे गरम मसाला। इसको भी अच्छे से मिला देंगे। आप इसमें डालेंगे 2 गिलास पानी। बेसन की सब्जी में पानी ज़्यादा ही लगता है इसलिए पानी कम नहीं डालना है। इसको चम्मच से थोड़ा चला देंगे। इस सब्जी को हम रोटी के साथ खाएंगे तो मैं ग्रेवी को गाढ़ा ही रखूँगी। यदि आप चावल के साथ इस सब्जी को खाएंगे तो आप इसमें 3 गिलास पानी डालना।
आप इसको ढककर 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे। 2-3 मिनट हो गए ग्रेवी को पकते हुए, इसको चम्मच से थोड़ा चला देंगे। ग्रेवी अच्छे से पक गई, आप इसमें डाल देंगे ये पकौड़ी जो हमने बना कर रखी है, और साथ में ही डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इनको ग्रेवी में अच्छे से मिला देंगे। आप इसको बिना ढके ही 1 मिनट के लिए पकाएंगे। इस सब्जी को पकोड़े डालने के बाद ढककर नहीं पकाएंगे और ना ही इसको 1 मिनट से ज़्यादा पकाएंगे, क्योंकि यदि पकोड़े डालने के बाद सब्जी को ज़्यादा देर के लिए पकाएंगे तो ये पकोड़े ग्रेवी में मिक्स हो जाएंगे, यानी कि सारे पकोड़े टूट जाएंगे। 1 मिनट हो गया सब्जी को पकते हुए, सब्जी में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप इस सब्जी को जिसको भी खिलाएंगे तो वो आपसे ये ज़रूर पूछेगा कि ये सब्जी बनाई कैसे है, क्योंकि ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। अब हमारी बिना लहसुन प्याज की बेसन की चटपटी सब्जी तैयार है। आप गैस को बंद कर देंगे। आपको ये बेसन की सब्जी बनाने का तरीका ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों में। मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।